अस्सलाम वालेकुम। क्या हो कि अगर आप एक ही दिन में अपने चैनल पे 20 वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसा करने से क्या आपका चैनल ग्रो हो सकता है या फिर आपका वीडियो वायरल हो सकता है? तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। और आप लोग एक ऐसी सेटिंग जो कि अपने YT स्टूडियो एप्स में करते हुए भी उसे ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी वीडियो में ना तो व्यूज़ आता है और ना ही YouTube आपकी वीडियो का इम्प्रेशन और लोगों तक भेजता है, कौन सा वो सेटिंग है? और एक बात और कि बहुत सारे यूट्यूबर अब क्या कर रहे हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपको सही चीज़ नहीं बता रहे, बस अब वो पैसे कमाने के पीछे आ गए। सब कुछ आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और जो यूट्यूबर आपके साथ कर रहे हैं, जो यानी कि आपको ट्रिक्स नहीं बता रहे, बस वो आपको इसी उलझनों में फंसा के रखे हुए, तभी आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मैं आज इसके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंड वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जिसके वजह से आपके वीडियो में व्यूज़ नहीं आता है और आपके लोगों तक यूट्यूब आपके वीडियो का इंप्रेशन नहीं भेजता। चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया है कि एक दिन में अगर आप अपने चैनल में 20 वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो में क्या व्यूज़ आएंगे या उसमें से 20 में से एक वीडियो क्या आपका वायरल हो जाएगा। सबसे पहले यूट्यूब के अल्गोरिथम को आपको समझना होगा। यूट्यूब के अल्गोरिथम को समझने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब आपको ये परमिशन देता है कि आप दिन पे एक वीडियो अपलोड करें या फिर 50 वीडियो अपलोड करें। यूट्यूब को मतलब है कि आपके वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना CTR आ रहा है और कितना ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन जो है ना वो ऊपर की तरफ है। जहाँ दोस्तों जिस दिन आपका ऑडियंस रिटेंशन ऊपर की तरफ इस तरीके का ऑप्शन आ गया, समझ लिए वो वाला वीडियो 100% आपका वायरल है। दोस्तों रही बात 20 वीडियो की, तो आप ऐसा कर सकते हैं और मान लीजिए अगर आपके 20 में से हर वीडियो में 20-20 करके व्यूज़ आएँ तो आपके 20 वीडियो का 400 व्यूज़ हो गया, ठीक है। अब यूट्यूब के अल्गोरिथम को ये लगेगा कि इस बंदे ने एक साथ 20 वीडियो अपलोड किया। जब 400 व्यूज़ आएगा और आपके इम्प्रेशन यानी यूट्यूब आपके वीडियो का इम्प्रेशन और थोड़ा सा बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपके वीडियो में एक साथ यानी कि आपके चैनल में एक साथ 400 व्यूज़ आए हैं तो आपके वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ाएगा। जब ज़्यादा जिसमें CTR हाई होने लगेगा, जिसका ऑडियंस रिटेंशन हाई होने लगेगा, वो वाला वीडियो आपका 100% वायरल होगा। अब सवाल ये होता है कि क्या आप लोगों को ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग स्टार्टिंग में तो ऐसा कर लेंगे, शॉर्ट वीडियो 20 अपलोड कर देंगे एक साथ या फिर लॉन्ग 10-15 अपलोड कर देंगे, लेकिन बाद के लिए आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो एक दिन में 2-3 अपलोड करें, और लॉन्ग बनाते हैं तो डेली एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करें। या दूसरा पॉइंट है फेक यूट्यूबर, यानी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यूट्यूबर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूबर आपके साथ खेल रहे हैं और आपको सही ट्रिक्स और सही टिप्स नहीं बता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहिर रिंद टैग के। दोस्तों आप इनको पहले देखते होंगे कि ये अपने जो ओल्ड वीडियो है उसमें दोस्तों इस तरीके का जो हाईलाइट है ना, ये पहले लिख के नहीं लगाते थे। अब इन्होंने क्या नया तरीका स्टार्ट कर दिया, जब से इनके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुआ है, जब से इनका वीडियो थोड़ा वायरल होना शुरू हुआ है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने वीडियो में क्या लगा रहे हैं, व्हाट्सअप चेकिंग एंड प्रोमोशन, इस तरीके का कुछ लिख के लगा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके वीडियो का जस्ट चैनल चेकिंग करेंगे और आपसे पैसे चार्जेस कर लेंगे। दोस्तों यूट्यूब के अल्गोरिथम में बैठ के काम नहीं कर रहे, ये जस्ट दोस्तों क्या करेंगे कि जब आप इसको पैसे ट्रांसफर करेंगे इजी पैसा या फिर जैस कैश के जरिए, तो ये आपके चैनल पर जाएंगे, लिंक आप उनको सेंड करेंगे, जब चैनल पर जाके देखेंगे भाई आपके फिर जैसे वीडियो अगर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह थोड़ा ख़राब है तो ये आपको बताएंगे मैसेज करके, भाई आपका थोड़ा एडिटिंग का मसला है या ये मसला है या थंबनेल का मसला, बस यही बताएंगे और आपसे पैसे चार्जेस कर लेंगे। अब दोस्तों ये क्या गलत कर रहा है? गलत ये कर रहा है कि बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो कि अभी आपको पता है पाकिस्तान का हालात कितना ज़्यादा ख़राब है, तो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं हो रहा, तो लोग इनको पैसा दे के अपना YouTube चैनल चेकिंग करवाएंगे। क्या दोस्तों आप लोग ऐसा मानते हैं? हर बंदा दोस्तों ये चाहता है कि वो YouTube पर आए, YouTube पे वायरल हो, YouTube से पैसे कमाए, लेकिन दोस्तों अगर स्टार्टिंग में ही उसको पैसे देने पड़ जाए सिर्फ चैनल चेकिंग के, तो क्या दोस्तों ये आप लोग मानेंगे ये बात को? तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग हरगिज़ ये वाला जो सर्विस है ये ना खरीदें और ना ही अपना चैनल चेक करवाएं। तो या अच्छा कोई नॉलेज सीखना है तो आप लोगों को तनवीर भाई को फॉलो करना है लाजमी।
अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउजर यहाँ से ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च में जाना और यहाँ लिखना है studio.youtube.com। ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपका जो यूट्यूब का ओपन, जो आपका YouTube का पेज है, वो इस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप साइड में। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से अपने वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। अब जैसे जिस तरीके से आप वीडियो अपलोड करते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएं, वीडियो वगैरह अपलोड करें। अब वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ा सा दोस्तों आप लोग ऊपर करना, डिस्क्रिप्शन के नीचे वाले लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आ रहा है पब्लिक एंड, अभी दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। तो ये दोस्तों लिखा हुआ रहा, अगर दोस्तों ये आपका ऑप्शन बंद है तो इसे फौरन ऑन कर लें। इससे दोस्तों क्या होता है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ये ऑप्शन अगर बंद रहेगा तो YouTube जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ या जो जो आपके वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों तक आपका ये वाला वीडियो नहीं भेजेगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसे ऑन कर लेंगे तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उनके पास भी जाएगा जो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए सिर्फ वीडियो देखते हैं तो उनके पास भी ब्राउज फ्यूचर में यूट्यूब वीडियो का इंप्रेशन भेजेगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।